फर्स्ट टोन जाहिर होने के बाद अभी इसको हम लोग सेकेंड टोन धीरे धीरे हम लोग इसको इसका जो डिटेलिंग पार्ट है उस पर हम लोग दिखाएंगे। जो डिटेलिंग पार्ट है पहले यहाँ पर हम लोग पहले थोड़ा बहुत कर लिए हैं, इसीलिए आपको वीडियो में दिख नहीं रहा, लेकिन सेम टू सेम कलर्स में लाइट ऑरेंज ब्राउन करके दिए हैं। अभी इसको देखिए, यहाँ पर देखिए हम लोग को जो रोज का पेटल है पेटल को क्लियरिंग करना है। जैसे हम लोग का एक रोज हले रोज का एक पेटल होता है, वो पेटल को क्लियर करने के लिए कहीं डार्क कहीं लाइट, कहीं डार्क कहीं लाइट देख के हम लोग को वो निकलना है, दिखाना है, तब जाके आपको ओरिजिनलिटी पता चलेगा कि हाँ ये रोज का ड्राइंग है, ये रोज का पेटल है। हम लोग का मेन कैरेक्टर है, आर्टिस्ट लोगों का जो भी दिशा होता है उनका एक थीम होता है। फ्लावर में रोज इसलिए पसंद है क्योंकि रोज कलर रोज देखने में भी अच्छा लगता है, और रोज कलर पेटल बहुत सारा पेटल है उसमें लाइट डार्क कलर का करने का बहुत ही ऑप्शन है इसमें स्टेप बाय स्टेप, है ना। इसलिए देखिएगा अक्सर फ्लोरल कॉम्बिनेशन में रोज सबको एक करते, रोज फिर आपका हिबिस्कस फिर वाटर लिली ये सब काफी करते हैं। तो हमने ये आप लोगों के लिए पहला ये दिखा रहे हैं फ्लावर स्टडी में जो रोज का सिंपल फॉर्म में, ताकि आप लोग जल्दी से इसको सीख पाए। और अगर मान लीजिए स्टील लाइफ में आपका आ गया है रोज रोज करना है तो आपको ये हेल्प होगा। देखिए इसमें पार्ट पार्ट करके हम लोग ऊपर से एकदम लाइट करके ला रहा है, ठीक है। हमने ऑलरेडी वहां पर डेप्थ है लेकिन फिर भी हम लोग दे दिए, यहाँ पर छोड़ दिए हैं, ज्यादा फोकस नहीं करना है, ज्यादा फोकस कलर करने से फिर ये आपका हम लोग का जो इम्पोर्टेंस है वो खत्म हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा व्हाइट भी दिखने दीजिए, वो हाईलाइट पोर्शन रहेगा, ये पोर्शन रहेगा हाईलाइट पोर्शन रहेगा। अभी इसको थोड़ा सा सूखने दीजिए, तब तक वो जो छोटा वाला रोज है उसको हम लोग करते हैं। इसमें भी पहले जो ड्राइंग है ड्राइंग को हम लोग को दिख नहीं रहा, लेकिन हम लोग इसको एक ऐसा डार्क करके पेटल निकालेंगे इस तरह से धीरे धीरे करके, ये पार्ट एक निकल गया, फिर एक फिर यहाँ पर एक लाइट करके इधर आएगा, ये पोर्शन ये फोल्डेड हो गया है, फिर यहाँ पर एक लाइट आ जाएगी, इधर से एक लाइट आ जाएगा। बस अब इसको भी थोड़ा सा मैंने रुकना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। देखिए जब तक ये सेकेंड सूखेगा नहीं ना तब तक हम लोग इसको दे नहीं सकते हैं। वाटर कलर का ट्रांसपेरेंसी में ही सबसे बड़ा खूबी है कि हम लोग गीला मैंने वेट में हम लोग क्या क्या कलर दे सकते हैं, क्या मिक्सिंग कर सकते हैं, और फिनिशिंग में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इसमें और थोड़ा सा डार्क अगर करना है आपको यहाँ पर तो आप कोबाल्ट ब्लू ले लीजिए, कोबाल्ट ब्लू उसके ऊपर अंदर से थोड़ा सा दे दीजिए, यहाँ पर एक इधर दे दीजिए इधर दे दीजिए कोबाल्ट ब्लू, तब वो अपना डार्क शेड में तब्दील हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हम लोग ये थोड़ा सा लैंग्वेज में हम लोग इजी करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हम लोग हिंदी में अभी लैंग्वेज बोलने में बहुत सर जो है बच्चे लोग समझ में नहीं आएगा कि सब, इसलिए हम लोग देवनागरी में हिंदी में हम इसको दिखते हैं। अब इसमें और थोड़ा सा है, इसमें से सूखने दी ड्राई होने दी फिर बताएंगे। अब यहाँ से हम एक लीव लेकर लीव निकालेंगे जिसमें हम लोग अभी एक कॉम्पोजिशन है, अभी तीन फ्लावर हो गए, अभी हमको लीव का निकाल है। सबसे पहले एक हम लोग हल्का सा टहनी निकालेंगे इस तरह सा निकाल के, फिर यहाँ पर हम लोग का ऐसे लीव का कलर देंगे, लीव कलर देने के बाद फिर इसको ऊपर में देंगे, फिर इसमें एक हल्का सा यहाँ पर देंगे, ये मोटा मोटी और यहाँ पर
हल्का से करते थे। उसके ऊपर में भी एक जीप का कैरेक्टर इस तरह से देंगे, साइड में भी चारों तरफ से उसको मैंने कॉम्पैक्ट करना है कॉम्पोजिशन को, ताकि देखने में सुंदर लगे। ऐसा नहीं कि वहां पर कहीं ज्यादा पत्ता दे दिया, कहीं ज्यादा फ्लावर गया, वैसे नहीं। ओवरऑल बैलेंस लगना चाहिए कॉम्पोजिशन, जो भी है ओवरऑल बैलेंस, तभी जाके आपको कहीं जो भी हम लोग टॉपिक के ऊपर काम क्यों ना करें, हम लोग को एक कॉम्पोजिशन में बैलेंस करके ही करना पड़ेगा। वरना क्या है ना, उसमें आपको जो पेंटिंग का जो ग्रामर है वो खत्म, मैंने खत्म हो जाएगा, नहीं दिखेगा, तब अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम लोग एक तो मोटा मोटी इस तरह से हम लोग एक कॉम्पोजिशन कर रहे हैं, ताकि चारों तरफ उसको बैलेंस रहे। ऐसा नहीं कि जो ज्यादा लीप भी नहीं, ज्यादा फूल भी नहीं। इस तरह से धीरे 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 करके अभी ये सेकेंड टोन, अभी आपका सेकेंड टोन हम लोग स्टार्ट किए हैं। इसमें ठीक है, पहले से थोड़ा बहुत धीरे 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 है ये आ रहा है, लेकिन नीचे में हम लोग किए थे। अब इसको इस तरह से हल्का सा पानी का इसका छिड़काव दे दीजिए, इसमें से क्या होगा ना, वो अपना फैल जाएगा हल्का सा फोर्स टू ऐसा। और ये पेपर देने के बाद इसको छोड़ दीजिए, वो अपने आप स्प्रेड कर लेगा, और उसमें से ना आपको एक तो अलग से टेक्सचर फॉर्म तैयार होगा, जिसमें आपको कोई कॉपी नहीं कर पाएगा। और ये एक टॉयलेट मैंने प्रोफेशनल जो वाटर कलर का तरीका है, इस तरह से होता है कि हम लोग को जो मेन फोकस है खाली रोज फ्लावर को दिखाना है। ठीक है, ये मोटा मोटी आपको सेकंड टर्न हो गया है, अभी इसको फिर हम लोग वेट सूखने के लिए हम लोग देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।